नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। जमशेदपुर शहर में दो अलग अलग क्षेत्रों में बिजली की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसका इलाज टीएमएच में किया जा रहा है। पहली घटना सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत विद्यापति नगर के गांधी क्लब के समीप रहने वाले हीरा लाल के मकान में घटी, जहां भुयाडी के रहने वाले राकेश कुमार और तनिष कुमार दोनों रिश्ते में भाई हैं। दोनों हीरा लाल के पुत्र चंदन के कहने पर घर के समीप सड़क किनारे शेड निर्माण के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों भाई 15 फीट लंबे लोहे के पाइप को घर से निकालकर निर्माण स्थल की ओर बढ़ रहे थे। इसी बीच लोहे का पाइप ऊपर से गुजरे 11,000 हाई टेंशन के संपर्क में आ गया। इसकी चपेट में आने से राकेश और तनिष दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के समय वहां से गुजर रहे एक बाइक चालक ने तुरंत उन दोनों को बिजली के संपर्क से हटाया, जिससे दोनों अचेत होकर वहीं सड़क किनारे गिर पड़े, जिसके बाद स्थानीय वासियों के सहयोग से दोनों को टीएमएच ले जाया गया, जहां 21 वर्षीय राकेश कुमार की मौत हो गई। वहीं उसके छोटे भाई तनिष का गंभीर हालत में इलाज किया जा रहा है। इधर घटना की जानकारी मिलने पर बिजली विभाग की टीम पहुंची और घटना के कारण बाधित हुई बिजली को पुनः बहाल किया गया। वहीं बिजली विभाग ने वेल्डिंग के लिए उपयोग होने वाली मशीन को जब्त करते हुए लापरवाही बरतने के आरोप में स्थानीय थाने में मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की है। हुआ था मतलब एक तो बेहोश था और एक तो मैं मतलब ठीक ठाक था। तो क्या मतलब कि कहीं से गिर गया था या कोई गिरा नहीं था, मतलब यही शॉक लगा था। अच्छा, बिजली का शॉक लगा था। कैसे हो तो तार बहुत ऊपर है। अब वो तो हम देखे ना, जब तक हम आए तब तक वाला पाइप सब अपना मतलब उसका हम लोग आवाज सुनने का मतलब 10 मिनट बाद हम लोग आए, मतलब जब हल्ला उल्ला हुआ तब हम लोग आए। उससे पहले वो जो रोड दिख रहा है वही शायद सट गया था। अभी क्या स्थिति है दोनों का, क्या स्थिति है? देखिए अभी तो लोग इमरजेंसी में भर्ती करके आए थे, उसके बाद नहीं पता क्या अभी तक ऐसा कोई जानकारी। हम लोग तो वहाँ खाली भर्ती किए और ये लोग आया घर वाला, तो हम लोग वहाँ से। तो ये जो दोनों लड़का थे घर का ही आदमी है कि मिस्त्री? नहीं, मिस्त्री है। मिस्त्री। इधर दूसरी घटना सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुयाडी निर्मल नगर में घटी, जहां निर्माणाधीन भवन में पानी पटा रहे युवक की करंट से झुलसने से मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 33 वर्षीय सुनील कुमार मिश्रा शुक्रवार की सुबह अपने निर्माणाधीन भवन की छत पर चढ़कर पानी पटा रहा था। इसी दौरान हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया, जिससे वह छत पर काफ़ी देर तक मूर्छित अवस्था में पड़ा रहा। परिजनों की नज़र जब उस पर पड़ी तो आनन फानन में उसे टीएमएच लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक मंदिर में पूजा करने के साथ साथ प्राइवेट जॉब भी करता था। मृतक विवाहित है और उसका एक 1.5 वर्ष का पुत्र भी है। वहीं मृतक का छोटा भाई मोनू कुमार मिश्रा नेवी में है। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।